आज हमारा आईसीटी का लेक्चर नंबर 10 है। जो आज हमने पढ़ना है वो हम फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक डिस्क को पढ़ा था कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है। आज उसी की हम टाइप्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डिस्क की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। जो पहली आती है हमारी फ्लॉपी डिस्क आती है। फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी कंसिस्ट ऑफ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटीरियल। ये एक डिस्क होती है आपकी, इस तरह से ये एक सर्कल की उसकी सूरत में, रेक्टेंगल की सूरत में आपकी डिस्क होती है जो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है। इसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है जिस पे आप डाटा अपना स्टोर करते हैं। डाटा वहाँ से रीड भी कर सकते हैं, डाटा आप राइट भी कर सकते हैं। ये जो है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1970s में। जो पुरानी डिस्क हमारी स्टोरेज डिवाइस है जिस पे हम डाटा स्टोर करते थे, बहुत पुरानी है। आजकल के कंप्यूटर्स में ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। आजकल हम बिल्कुल भी फ्लॉपी डिस्क को यूज़ नहीं करते। जो इसका साइज़ था वो 3.5 इंच था, बिल्कुल एक स्मॉल सी छोटी सी डिस्क होती थी। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.44 MB डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है। इस पर जो आप मैक्सिमम डाटा स्टोर कर सकते हैं वो 1.44 MB स्टोर कर सकते हैं। आज कल के दौर में तो ये 1.44 MB बिल्कुल भी नामुमकिन सी बात है कि हम इतना हमारा डाटा, हमारा तो एक पिक्चर ही 5-6 MB की होती है। तो अगर आप देखें तो आप एक फ्लॉपी डिस्क पे अपनी एक पिक्चर भी स्टोर नहीं कर सकते। और अगर आपने फ्लॉपी डिस्क से डाटा रीड करना है या फ्लॉपी डिस्क पे डाटा राइट करना है तो उसके लिए आपको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यूज़ करनी पड़ती थी। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती थी, एक ड्राइव लगी है वो उसके अंदर आप इसको डिस्क को डालते थे तो आप डाटा रीड भी कर सकते थे, आप डाटा उस पर राइट भी कर सकते हैं। और डाटा रीड एंड राइट करने के लिए इस पर रीड एंड राइट आर्म लगे होते हैं, हेड लगे होते हैं। एक वो हेड लगा होता था, आप डिस्क के ऊपर इस तरह से लग जाएगा तो वो वहाँ से इसके ऊपर से डाटा रीड करता था। तो आपका जो अगर आपने रीड करना है तो वो भी रीड आर्म आपका, रीड हेड आपका यूज़ करते थे वो डाटा रीड करने के लिए। अगर आप डाटा राइट करना चाहते हैं, उसके ऊपर लिखना चाहते हैं, स्टोर करना है तो आप राइट हेड को यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। जो कैपेसिटी है उसकी फ्लॉपी डिस्क की, हम किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस पर कितना डाटा स्टोर हो सकता है। हम देखते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उस पर हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे। सबसे पहले तो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती थी कि उसकी डेंसिटी कितनी है हार्ड डिस्क की है। डेंसिटी उसकी होती है कि नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड इन 1 इंच। आप 1 इंच स्क्वेयर एरिया पर कितने बिट स्टोर कर सकते हैं। आप जितने आपकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जितने आप 1 इंच एरिया पर ज़्यादा बिट स्टोर कर सकते हैं, आप अपनी फ्लॉपी डिस्क पर डाटा भी उतना ही स्टोर कर सकते हैं। इसके मैं कहता हूँ 1 इंच इस तरफ को, 1 इंच इस 1 इंच, ये 1 इंच एरिया के अंदर आप कितने बिट स्टोर कर सकते हैं। इस पे भी इसी तरह से ये छोटे छोटे बॉक्स बने होंगे और इन पे आपने डाटा स्टोर करना है। इनमें आप जितने आप बिट स्टोर कर सकते हैं आपकी उतना ही कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होगी। तो जितने भी ज़्यादा ये यहाँ पे नंबर ऑफ बिट स्टोर होंगे, जितने ज़्यादा ये बॉक्स बने होंगे, हम कहेंगे इसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है। तो डेंसिटी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उस पर डाटा भी उतना ही ज़्यादा स्टोर हो सकता है। दूसरी चीज़ इस पर नंबर ऑफ़ ट्रैक्स आ जाता है। नंबर ऑफ़ ट्रैक्स जितने भी, जैसे हमने मैग्नेटिक डिस्क में पढ़ा था कि ट्रैक्स बने होते हैं आपकी हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क पर ट्रैक होते हैं, ट्रैक्स पर हमारा डाटा स्टोर होता है। एक फ्लॉपी डिस्क पे जितने ट्रैक्स ज़्यादा होंगे आपका डाटा उतना ही ज़्यादा स्टोर होगा। अगर 4 ट्रैक हैं तो आपका डाटा कम स्टोर होगा, 6 ट्रैक हैं उस पर इतना ज़्यादा डाटा स्टोर होगा। ट्रैक्स बढ़ते जाएंगे तो आपका डाटा भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो 1.44 MB ही होती थी, तो इतना ही डाटा स्टोर होता था। तो आजकल के ये कंप्यूटर्स में या आजकल की हमारी लाइफ में ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हम इसको करते हैं। उसके बाद हम हार्ड डिस्क पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क क्या चीज़ है? आजकल जो मोस्टली यूज़ होती है वो हमारे कंप्यूटर्स में वो हार्ड डिस्क की यूज़ होती है हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए। इस कॉल्ड फिक्स्ड डिस्क, इसे हम फिक्स्ड डिस्क भी कह सकते हैं। फिक्स्ड डिस्क इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर ये फिक्स होती है, हम इसको बाहर नहीं निकालते कि बाहर निकाल लिया, लगा लिया, निकाल लिया, लगा लेते हैं। इसको हमने फिक्स किया होता है, इसलिए हम फिक्स्ड डिस्क भी इसे हम बोलते हैं। कंटेन सेवरल सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स इनसाइड ए कंटेनर। जो आप उसके अंदर आप कंटेनर है, एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी चंद एक 3-4 हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, प्लेट्स लगी होती हैं। वो सर्कुलर प्लेट्स लगी होती हैं, सर्कल की सूरत में इस तरह से प्लेट्स लगी होती हैं। वो एक प्लेट है, उसके ऊपर दूसरी प्लेट, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, इस तरह से प्लेट्स लगी होती हैं। वो प्लेट्स भी मैग्नेटिक मटीरियल से ही कोटेड होती हैं। इनको मैग्नेटिक मटीरियल से कोटेड किया होता है, कवर किया होता है प्लेट को, और हर प्लेट पे डाटा हमारा स्टोर होता है। डिफरेंट हम डाटा स्टोर, जितनी प्लेट्स इस पे ज़्यादा होंगी आप उतना ही डाटा भी स्टोर ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कंटेन मोटर टू रोटेट डिस्क, और इसको जो डिस्क है इस पे आपने डाटा रीड करना है या डाटा राइट करना है। जैसे आप लोगों को बताया था मैग्नेटिक डिस्क पे इस तरह से ये बने होते हैं आपके,
ये बने हुए आपके ट्रैक्स बने हुए, आप ट्रैक्स पे डाटा स्टोर करते हैं, जो ये रोटेट होती है, इसके अंदर एक मोटर लगी होती है, जो आपका कंटेनर होता है वो बॉक्स होता है उसके अंदर एक मोटर लगी होती है, मोटर क्या करती है इनको घुमाती है, ये घूमेंगे आपकी तो आप जहाँ डाटा इस पर राइट कर सकते हैं, आप घूमते जाते हैं, आप जहाँ जहाँ पर आपका दिल करता है आप यहाँ पर राइट करना चाहते हैं यहाँ पर राइट करें, फिर ये घूमती रहेगी जहाँ पर आप डाटा आपका दिल करे आप इसको राइट करते रहते हैं, मोटर होती है इसको रोटेट करने के लिए, और इसके अंदर आपके सेस आम लगा होता है, एक एसएस आर्म इस तरह से आर्म बना होता है ये लगा होगा को जो यूज़ करता है किस लिए, डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए, और उस एसएस आर्म पे आपके दो हेड लगे होंगे यहाँ पे रीड एंड राइट का, ये मैं कहता हूँ मेरा रीड के लिए हेड है और ये मैं कहता हूँ मेरा राइट करने के लिए हेड लगा हुआ है, वो जो अगर आपने डाटा रीड करना चाहते हैं आपके डिस्क से तो ये डिस्क घूमती रहती है, जो यहाँ जो डिजायर्ड पोजिशन पर आपका जब ये रीड हेड आ जाएगा तो आप वहाँ से ये रीड हेड डाटा रीड करके आपको दे देगा, अगर आप डाटा राइट करना चाहते हैं तो ये राइट हेड यूज़ होगा, राइट हेड यूज़ होगा आपका डाटा को राइट करने के लिए, ये इसी तरह से ये डिस्क घूमती रहती है और आपका वो डिजायर्ड पोजीशन पे आपकी आ जाएगी जहाँ से आप डाटा रीड करना चाहते हैं या आप डाटा राइट करना चाहते हैं। उसके बाद जो इसकी स्पीड होती है स्पिन करने की, जो आपकी ये जो डिस्क है इसके अंदर स्पीड स्पिन करते हैं ये 5400 से लेके 15000 तक हो सकती है रेवोल्यूशन पर मिनट, और जितनी ये इसकी स्पीड ज़्यादा स्पीड से ये घूमेगी, जितनी ये ज़्यादा रेवोल्यूशन इसकी ज़्यादा होगी, हम कहेंगे उसमें हम डाटा भी हार्ड डिस्क पर उतना ही ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, जितनी रेवोल्यूशन ज़्यादा हमारा डाटा भी उतना ही ज़्यादा डाटा उसके सर्फेस पे या उसके ट्रैक्स पे आप डाटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे और हार्ड डिस्क के, उसका पहला क्या आ जाएगा प्रोवाइड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, जो हार्ड डिस्क है हमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है, हमने मेमोरी में रीड किया था उसमें आपको जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी वो बहुत ही कम स्टोरेज कैपेसिटी मिलती थी, उसके बाद अगर आप फ्लॉपी डिस्क देखें उस पर भी बहुत ही कम स्टोरेज कैपेसिटी है, 1.44 MB तक आप अपना जस्ट डाटा स्टोर कर सकते हैं, अगर आप हार्ड डिस्क देखें तो उस पर जो आप डाटा स्टोर कर सकते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो अब MB नहीं वो GB को भी छोड़ के अब बाइट्स में वो आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, जितना मर्जी आप डाटा स्टोर इस पे कर सकते हैं। अब हार्ड डिस्क देखें हमारे लैपटॉप्स में आम हार्ड डिस्क 500 MB की, 1 TB की, इस तरह से 500 GB की, 1 TB की हार्ड डिस्क लगी होती है, मतलब 1024 GB की हार्ड डिस्क लगी होती है, आप 1024 GB पे आप बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं अगर आपने 1 TB की भी हार्ड डिस्क लगाई हुई है, फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क है, और इस पे जो ये जो हार्ड डिस्क है आपकी फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में ये फास्ट है, आप डाटा रीड करना चाहते हैं तो आप डाटा रीड भी बहुत जल्दी कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क आपका जो डाटा वो आप इतनी जल्दी से उसको रीड नहीं कर सकते, अगर आपने उस पर डाटा राइट करना है तो डाटा राइट करने भी फ्लॉपी डिस्क पे काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जो हार्ड डिस्क है वो फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में बहुत फास्ट है, आप डाटा तेज़ी से उससे रीड भी कर सकते हैं, उस पर डाटा आप फास्ट पे उस पर राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी मीडिया फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन, जो हमारा प्राइमरी मीडिया है यूज़ होता है, यही यूज़ होता है कि हम जो भी अपना डाटा जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है जो कुछ भी हम ऑडियो हमारे वीडियो है हमारे ग्राफिक्स हैं सब के सब हम इस पे हार्ड डिस्क पे ही स्टोर करते हैं, ये हमारा प्राइमरी मीडिया है डाटा को स्टोर करने के लिए, मोर रिलायबल देन फ्लॉपी डिस्क, ये रिलायबल है आप इस पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, इस पे डाटा के आपके लॉस होने के चांसेस फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में बहुत कम होते हैं, जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो जो कवर्ड होती है वो एक प्लास्टिक के कवर में उसको इनकैप्सुलेट किया होता है, उसको अंदर बंद किया होता है, तो वो प्लास्टिक के कवर में ज़्यादा महफूज नहीं होती, लेकिन ये है जो इसका जो कंटेनर होता है जिसके अंदर जिस बॉक्स के अंदर ये बंद होती है वो एक स्टील का होता है, तो वो उसमें ज़्यादा आपका डाटा भी महफूज रहता है, आपकी प्लेट्स महफूज रहेंगी तो उस पर जो डाटा होगा राइट किया हुआ वो भी आपका ज़्यादा महफूज रहेगा, तो ये रिलायबल है हमारे लिए, डाटा इज़ सेफ दैन फ्लॉपी डिस्क, जो इस पर डाटा होता है फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में ज़्यादा सेफ होता है, फ्लॉपी डिस्क पर आपका डाटा ज़्यादा महफूज नहीं होता, इस पर आपका डाटा ज़्यादा सेफ होता है। अब हम हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को देखें, हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस हम कैसे कहेंगे कि हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस अच्छी है या हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस बुरी है, वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, सबसे पहले तो आपका सीक टाइम आ जाता है, सीक टाइम है जो टाइम है रिक्वायर है जो आपका रीच टू करेक्ट लोकेशन मैयड इन जो मिली सेकंड, इसे मिली सेकंड में मैय करते हैं, जो आपका सीक टाइम है जो आपका रीड एंड राइट हेड है वो आपके करेक्ट डेस्टिनेशन पे कितनी जल्दी से पहुंचता है, जो आपका सीक टाइम होगा जो आपकी इसने घूमना है डिस्क ने, आपके ये रीड एंड राइट हेड हैं, तो ये रीड एंड राइट हेड अगर आपने यहाँ से डाटा राइट करना है, यहाँ से मैं कहता हूँ मैंने डाटा राइट करना है रीड करना है, तो इसने जब घूमना है घूम के इसने यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा, इसको यहाँ से आने में जो जो टाइम लगेगा, अब जितना ये हमारा
सीक टाइम होगा। ये सीक टाइम जितना कम होगा हम कहेंगे हमारी हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी है। ये जितनी जल्दी से डाटा आएगा हमारी हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। इसको हम मिली सेकेंड में मैयर करते हैं कि ये कितने मिली सेकेंड में आपका जो करेक्ट डेस्टिनेशन पे आपका है रीड या राइट हेड पहुँच जाता है। उसके बाद स्पिंडल स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र डाटा, आपके डाटा के ट्रांसफ़र की स्पीड है, आप कितनी स्पीड से आपका डाटा हार्ड डिस्क पे रीड कर सकते हैं या कितनी स्पीड से आप डाटा हार्ड डिस्क पे राइट कर सकते हैं। आप जितनी उसकी से डाटा रीड एंड राइट करने की आपकी स्पीड ज़्यादा होगी हम कहेंगे हमारा स्पिंडल स्पीड भी ज़्यादा है, तो हमारी परफॉर्मेंस भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। सीक टाइम जितना कम होगा परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी, स्पिंडल टाइम जितना ज़्यादा होगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। इसे हम रोटेशन पर मिनट में काउंट करते हैं कि कितने जो रोटेट होती है, कितनी बार रोटेट होती है एक मिनट के अंदर, कितनी बार आप डाटा रीड एंड राइट कर सकते हैं। उसके बाद लेटेंसी आ जाएगा, लेटेंसी में आपका टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्पिनिंग प्लेटर्स टू ब्रिंग डिजायर्ड डाटा टू रीड एंड राइट हेड, आपका ये लेटेंसी टाइम क्या है, आपका जो डिजायर्ड डाटा है वो उसको घुमा के कितनी देर में कितनी स्पीड से आपके रीड एंड राइट हेड तक लेके आता है। ये जो सीक टाइम था इसमें क्या था कि रीड एंड राइट हेड जो आपका कितनी देर में आपके डाटा तक पहुंचता है, इसमें क्या है जो आपका डाटा है वो कितनी देर में वहां तक आपके रीड एंड राइट हेड तक आता है। इसको जो हम काउंट करते हैं वो मिली सेकंड में देखते हैं कि कितने मिली सेकंड में आपका जो डिजायर्ड डाटा है वो आपके रीड एंड राइट हेड तक पहुंचता है जी। और इसके बाद हमारी हार्ड डिस्क की और भी कुछ टाइप्स आ जाती हैं, हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ जाती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो हम आजकल कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली लगाते हैं वो हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, वो आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। वो रिमूवेबल हार्ड डिस्क भी उसे कहते हैं, आप किसी भी कंप्यूटर एक कंप्यूटर से उसको रिमूव करके किसी दूसरे कंप्यूटर पर लगा सकते हैं, जब आपका दिल करे जिस मर्जी कंप्यूटर पर आप उसको लगा सकते हैं। उसकी कैपेसिटी भी काफ़ी होती है स्टोरेज की, वो आजकल वो टेराबाइट्स में आ रही हैं, 1 टेराबाइट्स, 2 टेराबाइट्स, 4 टेराबाइट्स में आपकी हार्ड डिस्क आपको मिल जाती हैं। और वो उसको हम यूज़ किस लिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को करते हैं, उसको हम अगर आपने अपना डाटा आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे उसको मूव करना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में अपना सारा डाटा कॉपी कर लेते हैं कंप्यूटर से, कॉपी करने के बाद उसको दूसरे कंप्यूटर पर लगा के सारे का सारा डाटा उधर हम मूव कर लेते हैं। एक तो हमारा ये डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मूव करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। दूसरा आ जाएगा, आप अपने डाटा का बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अगर आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, आप क्या करेंगे उसको, आपका इंपॉर्टेंट डाटा है जो भी, आप उसको एक तो आप अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हैं, आप उसको बैकअप के तौर पे अगर आपका हार्ड डिस्क से डाटा रिमूव हो जाता है, आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखी हुई है आपने, उस पर डाटा को आपने स्टोर करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं बैकअप के तौर पर, ताकि आपका अगर डाटा एक जगह से लॉस हो जाए, एक जगह से आपका डिलीट हो जाए तो दूसरी जगह पर आपका मौजूद हो। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का दूसरा हमारा ये मकसद होता है। तीसरा मकसद हमारा होता है उसका, हम अपने स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपकी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कम है तो मैं कहता हूं मैं अपनी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं, तो हम क्या कहते हैं कहा और हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर नहीं लगा सकते, तो हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लेते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, हम कुछ डाटा अपनी इंटरनल हार्ड डिस्क पर स्टोर कर लेंगे, कुछ डाटा हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पर स्टोर कर लेते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बाद हमारा माइनेचर हार्ड डिस्क आ जाता है। माइनेचर हार्ड डिस्क होती है जो 0.85 MB से लेके 8.5 इंच से लेके 0.85 इंच से लेके 1 इंच तक उसका साइज होता है। बिल्कुल छोटी सी एक हार्ड डिस्क होती है, उसे माइनेचर हार्ड डिस्क का नाम देते हैं। वो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1 GB से लेके 320 GB तक उस पर डाटा स्टोर हो सकता है। वो बिल्कुल ही उसे हम पॉकेट में भी रख सकते हैं, छोटी सी होती है वो। उसे हम यूज़ किस लिए करते हैं, हम अपने मोबाइल्स में या आपके अपने कैमरा में, डिजिटल कैमराज वगैरह में अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। जो फ्लैश में आपका मेमोरी कार्ड होते हैं उनकी कैपेसिटी कम होती है, उसकी जगह पे आप माइनेचर हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आप ज़्यादा डाटा उस पर स्टोर कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे रीड करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।